हकीम आमिर रज़ाक उभाया मदीनतुल औलिया मुल्तान से, पाकिस्तान से अपने तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे तिब्बे नबी पर इकबालियात को अक्सर कुरान में मैंने बयान किया है, इसी तरह जो है सरेकी में, उर्दू में और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेक्चर्स मौजूद हैं। आज मैं आपको दो मलाइका का जिक्र करता हूँ। सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 है, वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। अल्लामा इब्ने असगलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 20 संतों में हारूत मारूत का जिक्र फरमाया है। इसी तरह अल्लामा सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने 19 संतों में दुरे मंसूर में जिक्र फरमाया है और हाफिज इब्नुल कय्यूम ने भी इसका जिक्र फरमाया है। अहदीस में भी जिक्र मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ये दौर जो था इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर था। हुआ असल में ये था कि अल्लाह ताला ने आसमान के पर्दे खोल दिए और फरिश्तों ने देखा कि इंसान जो है गुनाहों में मुब्तला है, चोरी चकारी डकेटी कत्ल वारदात बेईमानी सूद हर किस्म के काम इंसान कर रहा है। तो मलाइका ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला इनको आपने इबादत के लिए भेजा था, लेकिन ये तो अल्लाह की मखलूक जो है, ये इंसान जो है गुनाह में मुब्तला है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम क्योंकि मेरे करीब हो और इसलिए तुम्हें मेरा खौफ ज़्यादा है, और वो क्योंकि हिजाब में है इंसान इसलिए उनसे ऐसा गुनाह हो जाता है। लेकिन मलाइका को इस बात पर इत्मीनान नहीं हुआ, तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा करते हैं कि तुम में से जो जैद फरिश्ते हैं, जो नेक फरिश्ते हैं, उनको हम ज़मीन पर इंसानों की शक्ल में भेज देते हैं, तो फिर देखते हैं फिर क्या होता है। तो फरिश्ते इस बात पर राज़ी हो गए। तो तीन फरिश्ते थे, अल्लाह ने ये फरमाया कि तुमने ज़मीन पर चार काम नहीं करने, शराब नहीं पीनी, जिना नहीं करना, कत्ल नहीं करना और बुत को सजदा नहीं करना। जिनमें से एक फरिश्ते ने कहा, इनकारी हो गया कि मैं तो ज़मीन पर नहीं जाता। तो दो फरिश्ते जो थे हारूत और मारूत, ये जाने पर राज़ी हो गए। इनको इंसानों की शक्ल में ज़मीन पर भेजा गया, तो ये एक अरसा तक जो है लोगों के तस्वीर फैसले करते और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहे थे। एक हसीन और जमील औरत आई, इतनी हसीन औरत थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे कि सबसे हसीन सितारा ज़ोरा सितारा है, इतनी हसीन ज़ोरा सितारा से तशबीह दी गई है उस औरत को। तो उसने अपना मसला बयान किया, तो फरिश्तों ने कहा तुम हमें अपना बदन पेश करो। उसने कहा भी एक शर्त पर मैं बदन पेश करती हूँ, तुम क्योंकि मुसलमान हो और मैं यहूदी हूँ, अगर मेरा तुम मज़हब अपनाओ तो फिर जो है मेरे मज़हब में शामिल हो जाओ, तो फिर जो है मैं तुम्हें अपना बदन पेश करती हूँ। तो फरिश्तों ने इनकार किया, उन्होंने कहा ये काम हमसे नहीं होता। तो वो औरत चली गई। कुछ अरसे बाद फिर वो औरत आई, तो फिर फरिश्तों ने कहा कि तुम हमें अपना बदन पेश करो। तो औरत ने कहा कि मेरे घर वाले को कत्ल कर दो। तो फरिश्तों ने कहा ये काम तो हमसे नहीं होता। फिर उसने कहा कि चलो तुम शराब पी लो। तो फरिश्तों ने आपस में मशवरा किया हारूत और मारूत ने कि शराब तो छोटा गुनाह है, ये कर लेते हैं। तो रिवायत में आता है कि ये हारूत और मारूत जो है उसके घर पे पहुंच गए, वहां इन्होंने शराब पी और शराब के नशे में उस औरत से जिना कर लिया। इस डर से उसके घर वाले को कत्ल कर दिया गया कि कहीं उसका घर वाला जो है मुतले ना कर दे लोगों को, और इस शराब के नशे में जो है उन्होंने बुत को सजदा भी कर लिया। और इधर मलाइका जो थे, अल्लाह ने आसमान के पर्दे हटा दिए थे और सारे मलाइका ये नज़ारा देख रहे थे। तो फरिश्तों ने अगर अस्तगफार किया तो ये हिजाब में चला जाए तो ऐसा होता है। तो फिर औरत ने कहा भी तुम जो आसमान पर जाते हो, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो आसमान पर जाते हो।
तो उन्होंने कहा हमारे पास जो है इस्मे आजम है। तो उसने कहा इस्मे आजम मुझे भी सिखाओ, तो मुझे भी आसमानों पर ले चलो। तो हारूत और मारूत और जोरा जो है आसमान पर जा रहे थे, और रास्ते में जो है अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत के पर काट दिए, जमीन पे फेंक दिया, और जोरा उस खातून का नाम था उसको उचक लिया गया, आसमान पे उठा लिया गया। तो कुछ अर्सों तक ये जमीन में फिरते रहे। किसी ने उनको हारूत और मारूत को बताया कि एक नबी हैं जो जुमा से लेकर जुमा तक दुआ करते हैं, और जो दुआ करें वो कबूल होती है। तो ये हारूत और मारूत जो है मलाइका उस नबी के पास गए। उस नबी ने फरमाया कि तुम्हें दो इख्तियार दिए गए हैं, या तो तुम दुनिया का अजाब बर्दाश्त करो, या दुनिया की सजा बर्दाश्त करो, या आखिरत की सजा बर्दाश्त करो। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि दुनिया तो फानी है, दुनिया का अजाब जो है, दुनिया की सजा जो है हम बर्दाश्त कर लेते हैं। तो बाज़ रिवायात में आता है कि बाबुल एक इलाका है जहाँ एक कुआं है, उस कुएं में हारूत और मारूत को उल्टा लटका दिया गया, और क्यामत तक ये उल्टे लटके रहेंगे। और बाज़ रिवायात में आता है कि जमीन और आसमान के दरमियान कोई ऐसी जगह है जहाँ ये उल्टे लटके हुए हैं, और क्यामत तक ये उल्टे लटके रहेंगे, और उसके बाद इनको फिर आसमानों पर पहुँचा दिया जाएगा। तो मैसेज ये है कि हम तो इंसान हैं, फरिश्तों से भी गलतियाँ होती हैं, और आज तक फरिश्ते जो है इंसानों के लिए दुआए मगफरत कर रहे हैं। तो हम तो इंसान हैं, इंसानों से यकीनन गलतियाँ होती हैं। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा जो है ईमान पर करे। तो यकीनन जो है ये एक मैसेज है कि अल्लाह ज़रूर हमें माफ़ करेगा इंशाअल्लाह। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, मेरे YouTube चैनल पर हज़ारों लेक्चर्स हैं।